मोबाइल लगा है, कौन समझ रहा है। तो ऑफकोर्स गदर के बाद जो हिंदुस्तान की जो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट है अब तक, गदर की रिकॉर्ड किसी भी फिल्म में तोड़ी नहीं है। तो ऑफकोर्स मैं खुश हूँ कि मैं सनी देओल के साथ वापस बड़े पर्दे पे आ रही हूँ। मैंने जब पहली फिल्म की थी फार्ज, तब भी उन्होंने मेरा बहुत टेक केयर किया था। तो जब मुझे मक्खन खाना होता है मैं सेट पे, लेकिन ये एक मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये गदर पार्ट 2 नहीं है। ये एक सीरियस फिल्म, जैसे गदर की लव स्टोरी एक सीरियस कहानी थी, ये एक कॉमेडी फिल्म है। बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, रिकी का बहुत अच्छा कैरेक्टर है एंड वी आर एंजॉयिंग द होल रोल एंड होप दैट यू ऑल विल आल्सो लव द फिल्म जिस तरह से आप एंजॉय करते हैं। ही इज नॉट जस्ट अ नेचुरल, ही इज आल्सो अ डायरेक्टर। तो ये हमेशा एक्टर के बारे में बहुत सोचते हैं। सानी जी और अमीशा, जो तारा सिंह और सकीना की जोड़ी थी, वो एक अलग रूप में आपके सामने आ रही है। और इसमें मैं तो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, इतनी भी पुरानी यादें नहीं थी। बट यस देयर वाज अ ब्रेक, but I'm very happy to be back on these sets and I've always loved the Deol family. After a long time I'm doing a film jahan ki मॉडर्न कैरेक्टर दिया गया है, जो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश और स्टाइलिश कैरेक्टर है। जो ग्लैमर कोशेंट इस फिल्म का है, जो एक्चुअली नॉन यूपी है, वो मैं इस फिल्म में कर रही हूँ। प्रोड्यूस करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, जो पर्दे के पीछे भी हो रही है, जो कैमरा के पीछे भी हो रही है। हर किसी का ध्यान, एक्टर्स के डेट्स, कॉस्ट्यूम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंसेस को प्लेस में रखते हुए, लोकेशंस, रेकीज़ पे जाना, हर चीज़ को। और अमीशा पटेल प्रोडक्शंस एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस है जहां हम हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। आर्टिस्ट से लेके लोकेशन तक हमारा हर चीज़ बेहतरीन ए ग्रेड है। तो देसी मैजिक और भैयाजी सुपरहिट बहुत जल्द एक दूसरे के आसपास रिलीज होगी। देखिए, लकी लक ऑन लक तो चलता ही रहता है, उसके बारे में मैं इतना सोचता नहीं हूँ। हाँ, भी कर रहा हूँ, ढेर सारी फिल्में कर रहे हैं और उम्मीद और अच्छी फिल्में करेंगे।